Good morning class, this is our anaphysio class. In our previous class we studied about the anatomy of ear. तो anatomy of ear में हमने पढ़ा कि ear के तीन parts हैं, outer ear, middle ear और inner ear, जिसमें कल हमने outer ear की anatomy भी पढ़ी थी और physiology भी पढ़ी थी. उसके structure में हमने पढ़ा था कि भाई pinna और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल दो स्ट्रक्चर पाई जाती हैं. आज जो हमारी क्लास है उसके अंदर हम मिडल ईयर पढ़ेंगे. आज मिडल ईयर की क्लास है, ये सेकंड क्लास है हमारी एनाफिजियो की जिसमें अपन ईयर पढ़ रहे हैं. तो कल जब हमने एक्सटर्नल या आउटर ईयर पढ़ा था तो उसके बाद मैंने नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपको पढ़ाई थी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और बाद में पढ़ाया था मिडल ईयर. हालांकि ये दोनों एक ही इसमें आते हैं, एक ही कैटेगरी के हैं ये दोनों, तो हम इसको आज वाली क्लास में साथ ही पढ़ेंगे. कल हमने पढ़ा था कि भाई टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हम ईयर ड्रम भी कहते हैं, जो कि एक्सटर्नल ईयर को मिडल ईयर से जोड़ने का काम कर रहा है, या आप कहिए डिवाइड करने का काम कर रहा है. और फिर हमने पढ़ा था मिडल ईयर जिसको अपन ने टिम्पैनिक कैविटी कही थी. टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ईयर ड्रम को कहते हैं, जो कि एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर को अलग करता है. और उसके बाद मिडल ईयर को अपन टिम्पैनिक कैविटी कहते हैं, जिसके अंदर तीन स्मॉलेस्ट बोन्स पाई जाती हैं और दो स्मॉलेस्ट मसल्स पाई जाती हैं. इन तीन स्मॉलेस्ट बोन्स को हम ऑसिकल्स कहते हैं, जो आपको डायग्राम के अंदर दिखाई भी दे रही हैं. तीनों की तीनों बोन्स जो हैं वो आपको दिखाई दे रही हैं. तो ये ऑसिकल्स मिडल ईयर का पार्ट है. इसके अलावा यूस्टेशियन ट्यूब मिडल ईयर का पार्ट होती है. तो हमारे को आज जो है वो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़नी है मिडल ईयर की. मिडल ईयर को हम डिटेल में पढ़ेंगे. आपको डायग्राम में, ऊपर वाले डायग्राम में मिडल ईयर की पूरी एक साथ स्ट्रक्चर बताई गई है. तो मिडल ईयर कहाँ पे होता है? ऑब्वियस है, एक्सटर्नल और इनर ईयर के बीच में जो मिडल ईयर है वो लोकेटेड रहता है. और ये ईयर कैनाल के द्वारा, इसका जो है ईयर कैनाल जो इसमें है वो आउटर ईयर से सेपरेटेड रहती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के द्वारा, जिसको अपन ईयर ड्रम कहते हैं. ये हमने कल की क्लास में भी पढ़ लिया था और आज की क्लास में मैंने स्टार्टिंग में ये चीज़ आपको बता दी थी. तो मैंने जो लाइन बोली है वो लाइन क्या है? द मिडल ईयर इज लोकेटेड बिटवीन द एक्सटर्नल एंड इनर ईयर. इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द ईयर कैनाल ऑफ द आउटर ईयर बाय द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और द ईयर ड्रम. टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हम ईयर ड्रम कह रहे हैं. तो ये तो हुआ इसकी जनरल एनाटॉमी के बारे में. अब ये क्या फंक्शन कर रहा है, क्या काम कर रहा है, इसकी फिजियोलॉजी क्या है वो हम देखें. तो मिडल ईयर का फंक्शन क्या होता है कि ये ईयर ड्रम से इनर ईयर फ्लूड तक, कल की क्लास में मैंने बताया था कि इनर ईयर में फ्लूड भरा हुआ रहता है, तो ईयर ड्रम से इनर ईयर के फ्लूड तक वाइब्रेशंस को ट्रांसफ़र करता है. जो वाइब्रेशन एनवायरनमेंट से आपके एक्सटर्नल ईयर तक पहुंच रहे हैं, वो वाइब्रेशन एक्सटर्नल ईयर या आप कहिए ईयर ड्रम से इनर ईयर फ्लूड तक ये मिडल ईयर पहुंचाने का काम कर रहा है. ईयर ड्रम क्या चीज़ थी? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, क्योंकि आउटर ईयर से ईयर ड्रम तक पहुंचा, ईयर ड्रम से मिडल ईयर में वाइब्रेशन जाएंगी और मिडल ईयर से इनर ईयर फ्लूड में वाइब्रेशन जाएंगी. और ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है इसमें, ये जो छोटी छोटी बोन्स आपको डाइग्राम में भी दिखाई दे रही हैं, तीनों मेलियस इंकस स्टेपस, ये तीनों बोन्स जो हैं वो मूवमेंट करती हैं पूरे एक चेन में, एक सीरीज़ के अंदर मूवमेंट करती है. उस चेन के मूवमेंट्स की वजह से ये वाइब्रेशंस, ये जो साउंड वाइब्रेशंस हैं, क्योंकि और कौन सी वाइब्रेशंस आएंगी कान में? साउंड वाइब्रेशंस आएंगी. तो वो साउंड वाइब्रेशंस ट्रांसफ़र करती है इन तीन बोन्स जिनको अपन ऑसिकल्स कहते हैं. और ये तीनों बोन्स आपके पूरे मिडल ईयर में रहती हैं, फैली हुई हैं. ये मिडल ईयर इन्हीं बोन्स से बना हुआ पार्ट है. ये मिडल ईयर के अंदर ये बोन्स और उनकी मसल्स ही रहती हैं पूरे में, तो उन्हीं के थ्रू ये चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही होती हैं. तो आप इसे कैसे लिखेंगे? द मिडल ईयर फंक्शंस टू ट्रांसफ़र द वाइब्रेशंस ऑफ द ईयर ड्रम टू द इनर ईयर फ्लूड. दिस ट्रांसफ़र ऑफ साउंड वाइब्रेशंस इज पॉसिबल थ्रू अ चेन ऑफ मूवेबल स्मॉल बोन्स कॉल्ड ऑसिकल्स.
which extend across the middle ear and their corresponding small muscles. तो ये जनरल एनाटॉमी और फिजियोलॉजी मैंने आपको बताई है. आप मैं जितनी भी लाइंस बोल रही हूँ जो इसके अंदर नहीं लिखी गई हैं प्रेजेंटेशन के अंदर, वो आप नोट कर लीजिए और अपने नोट्स जो हैं वो प्रिपेयर कर लीजिए. कोई भी आपको डाउट हो आप मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. मैं अपनी सभी क्लासेस में कहती हूँ आपको, तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. जो लाइंस मैं बोल रही हूँ वो नोट कर लीजिए. जो इसमें लिखी हुई हैं वो तो हैं आपके पास लिखी हुई, पर जो बोल रही हूँ वो आपको नोट करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ये चीज़ें भी लिखनी है. डायग्राम के साथ में ये चीज़ें आपको लिखनी होती हैं. तो मैंने अभी तक आपको जनरल एनाटॉमी और जनरल फिजियोलॉजी बताई है मिडल ईयर की. वापस से सारी लाइंस को एक साथ सुन लीजिए. द मिडल ईयर इज़ लोकेटेड बिटवीन द एक्सटर्नल एंड इनर ईयर. इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द ईयर कैनाल ऑफ द आउटर ईयर बाय द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ऑल्सो नोन एज द ईयर ड्रम. द मिडल ईयर फंक्शंस टू ट्रांसफर द वाइब्रेशंस ऑफ द ईयर ड्रम टू द इनर ईयर फ्लूइड. This transfer of sound vibrations is possible through a chain of movable small bones called ossicles, which extend across the middle ear and their corresponding small bones. मतलब वो जो bones हैं उनके साथ जो जुड़ी हुई small muscles हैं उन्हीं वही पूरे middle ear में फैली रहती हैं, और उनका काम है vibrations को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जाना. अब हम इस मिडल ईयर के अंदर जो स्ट्रक्चर्स आ रही हैं उनकी एनाटॉमी पढ़ेंगे, और उनके बाद में फिजियोलॉजी भी हम लोग पढ़ेंगे, जो मिडल ईयर की स्ट्रक्चर्स हैं कि उनकी एनाटॉमी क्या है, कैसी है, कैसे दिखाई दे रहे हैं. तो मैंने आपको कल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अलग से बताया था. मैंने आज बोला कि ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अपन मिडल ईयर में ही पढ़ेंगे, जिसे हम ईयर ड्रम कहते हैं. तो ईयर ड्रम देखिए क्या चीज़ है. ईयर ड्रम ऑल्सो नोन एज द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. This membrane is semi-transparent, thin, fibroelastic connective tissue membrane covered by epidermis. इसको अपने tympanic membrane कहा है, जो कि एक semi-transparent, अर्ध पारदर्शी पतली झिल्ली होती है, जो fibroelastic nature की होती है. connective tissue से बनी हुई ये membrane है, जिसके ऊपर epidermis की covering, क्योंकि एक्सटर्नल साइड में एपिडर्मिस होती है, और दूसरा अंदर की साइड में इसमें क्यूबॉइडल म्यूकस एपिथीलियम की कवरिंग पाई जाती है. बाहर की तरफ एपिडर्मिस की, अंदर की तरफ इसमें क्यूबॉइडल म्यूकस एपिथीलियम की कवरिंग पाई जा रही होती है. ये जितने भी नाम हम पढ़ रहे होते हैं वो आपको याद रखने होते हैं कि कहाँ पर कौन सी सेल्स हैं, ये आप याद रखेंगे. तो ईयर ड्रम में एक्सटर्नली तो एपिडर्मिस है, और इंटरनली क्यूबॉइडल म्यूकस एपिथीलियम है. इट वाइब्रेट्स एंड ट्रांसमिट साउंड वेव्स टू द ऑसिकल्स. जब ये ईयर ड्रम हिलता है तो ये साउंड वेव्स को ट्रांसमिट करता है ऑसिकल्स, जो मिडल ईयर की बोन्स है वहाँ तक. ये इस ईयर ड्रम का काम है. और दूसरा ये क्या कर रहा था कि ईयर कैनाल को मिडल ईयर से सेपरेट करने का काम कर रहा था, जो मैंने अपनी पहली स्लाइड में भी आपको बताया था. ये ईयर ड्रम जो है वो 1 सेंटीमीटर डायामीटर का होता है, और थोड़ा सा कॉनकेव शेप का होता है, अंदर की तरफ मोड़ा हुआ. कॉनकेव शेप कौन सी होती है, अंदर की तरफ मुड़ी हुई शेप को अपन कॉनकेव शेप कहते हैं. तो 1 सेंटीमीटर डायामीटर का होता है, स्लाइटली कॉनकेव शेप का होता है अपनी आउटर सरफेस पर. और जब साउंड आता है तो ये फ्रीली वाइब्रेट करता है, उस साउंड के रिस्पॉन्स में ये फ्रीली वाइब्रेट करने का काम करता है. इसकी जो मेम्ब्रेन होती है बहुत ज़्यादा इनर्वेटेड होती है, और इस वजह से ये पेन के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है. तो कई लोगों का आपने सुना है ना कि कान में दर्द हो रहा है, तो वो उनकी मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, और वो ईयर ड्रम की ही प्रॉब्लम है कि वो कान में दर्द कॉज कर देता है. इसके अलावा ये मेम्ब्रेन हमने बोला अभी कि भाई ये साउंड वेव्स को ट्रांसमिट कर रही है, या हमने बोला कि भाई ये फ्रीली मूवमेंट कर रही होती है. मैंने अपनी अभी पहली वाली स्लाइड में मैंने ये बताया था इंट्रोडक्शन के अंदर, फ्रीली मूवमेंट कर रही होती है. तो कब करती है मूवमेंट, जब इसके ऊपर कोई एयर स्ट्राइक करती है. ये ड्रम पे जैसे ही कोई एयर आके स्ट्राइक करेगी तो ये फ्रीली मूवमेंट करना स्टार्ट करती है, और इसके दोनों साइड में जो है एयर प्रेशर रहता है. द
रेस्टिंग एयर प्रेशर इसके दोनों साइड में जो रहता है वो हमेशा इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये प्रेशर अगर इक्वल नहीं रहा तो ये मे बी के कोई प्रॉब्लम कॉज कर दे, ऐसा हो सकता है। तो मैंने अभी तक जो लाइंस बोली हैं इनको आप दोबारा से सुनिए। द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज कॉमनली नोन एज द ईयर ड्रम एंड सेपरेट्स द ईयर कैनाल फ्रॉम द मिडल ईयर। इट इज अबाउट 1 सेंटीमीटर इन डायामीटर एंड स्लाइटली कॉनकेव, कर्विंग इनवर्ड। स्लाइटली कॉनकेव का मतलब मैं बता रही हूँ कर्विंग इनवर्ड ऑन इट्स आउटर सरफेस। इट वाइब्रेट्स फ्रीली इन रिस्पॉन्स टू साउंड, जैसे साउंड आएगा ये फ्रीली वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगी। द मेम्ब्रेन इज हाईली इनर्वेटेड मेकिंग इट हाईली सेंसिटिव टू पेन। ये इनर्वेटेड होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा पेन के लिए सेंसिटिव होती है। फॉर द मेम्ब्रेन टू मूव फ्रीली व्हेन एयर स्ट्राइक्स इट, द रेस्टिंग एयर प्रेशर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मस्ट बी इक्वल, क्योंकि हमने कहा ये फ्रीली मूवमेंट करती है जब इस पर एयर स्ट्राइक होती है, पर ये एयर स्ट्राइक होने पर फ्रीली मूवमेंट केवल तब करेगी जब इसके दोनों साइड का प्रेशर इक्वल होगा। ईयर ड्रम के आउटर पार्ट वाला भी और इनर पार्ट का भी जब प्रेशर इक्वल होता है तो ये फ्रीली मूवमेंट करती है और साउंड जो है वो ट्रैवल करता है। तो ये इसकी फिजियोलॉजी मैं इस समय आपको बता रही हूँ। एनाटॉमी मैंने ऊपर बता दी इसके बारे में, 1 सेंटीमीटर डायामीटर के बारे में, और ये सेपरेट कर रही है, स्लाइटली कॉनकेव होती है, इनर्वेटेड होती है, ये बातें मैंने आपको बता दी। अभी मैं इसकी फिजियोलॉजी बता रही हूँ आपको। फिर दूसरा इसकी फिजियोलॉजी में और क्या होता है भाई, एक तो बात हमने बोली कि भाई दोनों साइड का प्रेशर जब इक्वल होगा उस समय जब एयर इस पर स्ट्राइक करेगी तो ये फ्रीली मूवमेंट करेगा। अब ये कैसे प्रोसेस चलेगा वो सुनिए। द आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि हम कह रहे हैं दोनों साइड प्रेशर, तो बाहर की तरफ कौन सा प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारे को एनवायरनमेंट में दिखाई दे रहा है, जिस प्रेशर में हम हैं, मतलब जो हमारे आसपास है वो प्रेशर, और उसी प्रेशर के साथ हम खड़े हुए हैं। अगर बाहर प्रेशर है तो ऑब्वियस है हम उसी प्रेशर में खड़े हैं, है ना, तो वो वाला प्रेशर, और अंदर जो है ऑडिटरी जो आपकी ट्यूब होती है तो उसका प्रेशर जो है इक्वल होना चाहिए। अब इसके बाद ये लाइन मैंने क्या बताई है वो देखिए। द आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन इज एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज प्रेशर ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच वी फाइंड आवरसेल्व्स थ्रू द ऑडिटरी ट्यूब। ऑडिटरी ट्यूब के थ्रू जो वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिल रहा है, सो दैट द कैविटी इन विच इट इज लोकेटेड कॉल्ड द टिम्पैनिक कैविटी। अब ये है कहाँ पे ईयर ड्रम, एक कैविटी के अंदर ये ईयर ड्रम है जिसको हम टिम्पैनिक कैविटी कहते हैं। इज कंटिन्यूस विद द सेल्स इन द जॉ एंड थ्रॉट एरिया, और वो कैविटी आगे कंटिन्यू होती हुई आपके जॉ के एरिया में, आपके थ्रॉट के एरिया में जो सेल्स हैं उनसे जुड़ रही है, वो टिम्पैनिक कैविटी आगे बढ़ती हुई जॉ की सेल्स और थ्रॉट एरिया की सेल्स से जुड़ रही है। तो वहाँ का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो इक्वल होगा, तब ये मेम्ब्रेन जो है आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वो मूवमेंट करेगी और वाइब्रेशन होगा, साउंड वाइब्रेशन आगे ट्रैवल करेगा। अब नॉर्मली क्या होता है कि ऑडिटरी ट्यूब जो होती है वो फ्लैटर्ड होती है और क्लोज्ड रहती है नॉर्मली पर्सन्स में, पर जब आप कोई चीज़ निगलते हैं, उबासी लेते हैं या चबाते हैं तब वो ट्यूब जो है वो ओपन हो जाती है, जिससे कि एयर जो है वो अंदर एंटर कर सकती है या बाहर निकल सकती है। एयर जो है एंटर करती है, लीव कर देती है किसको, टिम्पैनिक कैविटी को, या तो टिम्पैनिक कैविटी में एयर चली जाएगी या वहाँ से बाहर निकलेगी, ये इसका मैकेनिज्म चलता है तब जब आप कोई चीज़ खा रहे हैं, उबासी ले रहे हैं, चबा रहे हैं। और ये जो ऑडिटरी ट्यूब की ओपनिंग है, जब ये ओपन हो गई, हमने कहा नॉर्मली तो ये क्लोज रहती है, पर जब ये ऑडिटरी ट्यूब ओपन हो जाती है तो ये अलाउ कर देती है एयर प्रेशर को जो मिडल ईयर में है कि वो इक्विलिब्रिएट कर जाए उस प्रेशर से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, ऑडिटरी ट्यूब का प्रेशर जो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, जिससे कि जो प्रेशर है दोनों साइड का इक्वल हो जाएगा, और इक्वल हो जाएगा तो साउंड वेव्स आराम से ट्रैवल कर सकेगी। और अगर ये प्रेशर इक्वल नहीं हुआ दोनों साइड में तो फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में जो सेंसेशन है हियरिंग का वो सही नहीं आ पाएगा, आपको चीज़ साफ सुनाई नहीं देगी, क्योंकि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन
वाइब्रेट फ्रीली कर ही नहीं पाएगी, फ्रीली वाइब्रेट नहीं हो रही तो साउंड जाएगा कैसे अंदर, तो प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। और जब एक्सटर्नल प्रेशर बहुत तेज़ी के साथ में बदल रहा होता है, जैसे जब आप एयर में फ्लाइट कर रहे होते हैं, आप एरोप्लेन में अगर जा रहे हैं, तो ईयर ड्रम जो होता है उस वक्त बाहर की तरफ आ रहा होता है, पेनफुल ये प्रोसेस चल रहा होता है, क्योंकि जो आउटसाइड का प्रेशर है उस वो चेंज हो रहा है, ईयर के जो है वो प्रेशर चेंज हो रहा है। तो बहुत सारे लोगों को फ्लाइट में जाते समय कान दर्द की शिकायत होती है, कान दर्द हो रहा होता है, तो उसका रीज़न ये है कि वो प्रेशर जो है वो चेंज हो रहा होता है। और हमने कहा भाई ये प्रेशर चेंज होएगा और ये दर्द कॉज करेगा, और अदरवाइज़ जो है मिडिल ईयर का जो प्रेशर है वो चेंज हुआ नहीं है, क्योंकि जब आप फ्लाइट में जा रहे हो तो बाहर का प्रेशर तो चेंज हो गया, आपके मिडिल ईयर का प्रेशर चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब ये प्रेशर अनइक्वलाइज्ड हो गया, अनइक्वलाइज्ड हो गया तो वो पेन कॉज करेगा। इसी तरह से अगर आप उबासी ले रहे हैं या कोई चीज़ निगल रहे हैं तो इंस्टेंस ओपन हो जाती है आपकी ऑडिटरी ट्यूब, जिससे कि प्रेशर जो है वो दोनों साइड का इक्वलाइज हो जाता है और प्रेशर रिलीव भी होता है, तो ईयर ड्रम में डिस्टॉर्शन, रिलीविंग द प्रेशर डिस्टॉर्शन एज द ईयर ड्रम पॉप्स बैक इनटू प्लेस, तो वो वापस उसके बाद वो अपनी जगह पर आ जाएगा ईयर ड्रम और चीज़ें आपकी सही हो जाएंगी जब आप उस कंडीशन से बाहर निकल जाते हैं। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्चुअली फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, मैं इसको पूरा इंग्लिश में आपको बोल के बता देती हूँ फिर आप उसको। स्टूडेंट्स तो देखिए हम लोग जो बात कर रहे थे वो ये बात कर रहे थे कि कैसे ईयर ड्रम ने अपना फंक्शन किया और कब कब वो प्रॉब्लम दे रहा होता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि भाई प्रेशर यॉनिंग स्वेलोइंग के समय पे चेंज हो रहा होता है वगैरह बात हमने करी। तो इस चीज़ को मैं एक बार आपको वापस से बताऊँ, जो मैंने आपको पढ़ाया है वो ये चीज़ है, इंग्लिश में बोल के बता देती हूँ ताकि आप आराम से नोट कर सके, कि जब प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, जो हम बात कर रहे थे ना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो वो कैसे अपना वर्क कर रही होती है, ये हम लाइन पढ़ रहे थे। तो मैंने आपको बताया कि नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली द ऑडिटरी ट्यूब इज़ फ्लेटर्ड एंड क्लोज्ड बट स्वेलोइंग यॉनिंग एंड च्यूइंग पुल द ट्यूब ओपन allowing air to enter or leave the tympanic cavity. This opening of the auditory tube allows air pressure in the middle ear to equilibrate with atmospheric pressure so that the pressure on both side of the tympanic membrane become equal to each other. Excessive pressure on either side of the tympanic membrane dampens the sense of the hearing because the tympanic membrane cannot vibrate freely. When external pressure changes rapidly, for example, during air flight, the eardrum can bulge painfully because as the pressure outside the ear changes, the pressure in the middle ear remains unchanged. Yawning or swallowing in this instance opens up the auditory tube, allowing the pressure on both sides of the tympanic membrane to equalize, relieving the pressure distortion as the eardrum pops back into place. Since the auditory tube connects the jaw or throat areas to the ear, it allows throat infection to spread relatively easily to the middle ear. दूसरी लाइन में आपको यही बताना चाह रही हूँ कि एक्चुअली हम क्या पढ़ रहे थे, मिडल ईयर की फिजियोलॉजी हमने पढ़ी और उसकी प्रॉब्लम्स हम पढ़ रहे थे कि कैसे वो पेन कॉज कर देता है और वो हमारे अंदर बैलेंस वगैरह बनाए रख रहा होता है, ये लाइन हमने पढ़ी, और वो अपना फंक्शन, मिडल ईयर अपना फंक्शन अच्छे से करे इसके लिए ज़रूरी है कि ईयर ड्रम के दोनों साइड जो प्रेशर है वो इक्वल होना चाहिए। अब एक लाइन मैंने आपको पहले भी बताई थी कि ऑडिटरी ट्यूब जो है वो आगे जाते हुए जॉ एरिया से या थ्रॉट के एरिया से जुड़ी हुई होती है, तो अगर किसी पर्सन को थ्रॉट का इन्फेक्शन हुआ है तो वो बड़ी आसानी से मिडल ईयर तक पहुंच सकता है, और ऐसा अक्सर बच्चों में देखा जाता है क्योंकि उनकी ऑडिटरी ट्यूब जो है वो बहुत छोटी होती है एडल्ट्स के कंपैरिजन में, जिससे कि उनके मिडल ईयर में फ्लूड एक्यूमुलेशन हो सकता है और उस फ्लूड एक्यूमुलेशन की वजह से वो पेन कॉज करता है कान में,
और ना केवल पेन कॉज करेगा बल्कि मिडल ईयर में जो साउंड ट्रांसफ़र हो रहा है उसमें भी दिक्कत आने लग जाएगी। और अगर हमने उस इन्फेक्शन को ठीक नहीं किया तो वो जॉ के आसपास के सेल से फैलता हुआ दिमाग में चला जाता है और मेनिनजाइटिस कॉज कर देता है। मेनिनजाइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन लाइनिंग, ब्रेन की लाइनिंग का इन्फ्लामेशन है, सूजन आ जाती है। ब्रेन में तीन कवरिंग्स पाई जा रही होती है ना, पाया मैटर, ड्यूरा मैटर, एक्रिनॉइड स्पेसेस, तो इसके अंदर क्या है कि इन्फ्लामेशन हो जाता है। और मिडल ईयर इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है ईयर के ऑसिकल्स आपस में फ्यूज़ हो जाएं। ईयर ऑसिकल्स जो है वो तीन बोन्स हैं जो रिदमिकली मूवमेंट करती हैं, तब वो साउंड वेव्स ट्रैवल करती हैं। अगर ये आपस में फ्यूज़ हो गई तो उनका मूवमेंट नहीं हो पाएगा, मूवमेंट नहीं होगा तो साउंड वेव्स ट्रैवल नहीं करेंगी, आगे मूव नहीं करेंगी, इनर ईयर तक पहुँचेंगी नहीं, तो मतलब वो साउंड हमारे इनर ईयर तक नहीं जाएगा, मतलब हमें सुनाई देना बंद हो जाएगा। तो ऐसे केस में पर्सन में हियरिंग लॉस भी हो सकता है। तो इसको हमने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा है, दैट सिंस द ऑडिटरी ट्यूब कनेक्ट्स द जॉ और थ्रॉट एरियाज टू द ईयर, इट अलाउज थ्रॉट इन्फेक्शंस टू स्प्रेड रिलेटिवली ईजिली टू द मिडल ईयर। मिडल ईयर इन्फेक्शन इज कॉमन इन चिल्ड्रन बिकॉज देयर ऑडिटरी ट्यूब्स आर रिलेटिवली शॉर्ट कंपेयर टू एडल्ट। दिस लीड्स टू फ्लूड एक्यूमुलेशन इन द मिडल ईयर विच इज नॉट ओनली पेनफुल बट ऑल्सो डिसरप्ट्स द ट्रांसफेरेंस ऑफ साउंड अक्रॉस द मिडल ईयर। इफ इन्फेक्शन इज लेफ्ट अनट्रीटेड इट कैन स्प्रेड फ्रॉम द सेल्स नियर द जॉ कॉजिंग मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन लाइनिंग। नाउ द मिडल ईयर इन्फेक्शन कैन ऑल्सो कॉज द फ्यूजन ऑफ द ईयर ऑसिकल्स रिजल्टिंग इन हियरिंग लॉस। कि भाई हियरिंग लॉस हो जाएगा करिए इन्फेक्शन, कौन सा इन्फेक्शन, क्योंकि ऑडिटरी ट्यूब आपके जॉ एरिया से जुड़ी हुई है, तो अगर जॉ एरिया में इन्फेक्शन हुआ है तो मिडल ईयर तक फैल सकता है। कंपैरेटिवली ये बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है क्योंकि उनकी ऑडिटरी ट्यूब्स छोटी होती है, जिससे उनके मिडल ईयर के अंदर फ्लूड भर जाता है, उनको कान में दर्द रहने लगता है, आवाज़ उनको साफ सुनाई नहीं दे पाती क्योंकि वो साउंड जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। और अगर हमने ट्रीट नहीं किया तो ये मेनिनजाइटिस कॉज कर देगा और हो सकता है ईयर ऑसिकल्स भी आपस में फ्यूज़ हो जाएं, तो पर्सन में हियरिंग लॉस भी देखा जा सकता है। इसके बाद आपको इसी स्लाइड में तीन और पॉइंट्स, तीन और स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया गया है, ऑसिकल्स, यूस्टेशियन ट्यूब और ओवल विंडो। तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ऑसिकल्स के अंदर देखो आपके लिखा हुआ है कि ये दीज ऑसिकल्स आर द मेडअप ऑफ थ्री स्मॉल बोन्स विच इज़ द हैमर दैट इज मेलियस, द एनविल दैट इज इंकस एंड द स्टायरा दैट इज स्टेपस। ये तीन बोन्स है, मेलियस, इंकस, स्टेपस, और ये सीक्वेंस वाइज दिया हुआ है क्योंकि ये बाहर से अंदर तक ऐसी है, सबसे बाहर मेलियस है, सबसे अंदर स्टेपस है और बीच में इंकस है। इसका काम क्या होता है कि जो साउंड वेव्स आपके कानों तक आ रही हैं उनके वाइब्रेशन को ये इंटेंसीफाई कर देता है, 22 गुना बढ़ा देता है ओवल विंडो तक पहुँचाने से पहले। ऑसिकल काम क्या है कि जो साउंड वेव्स ईयर ड्रम से होती हुई आ रही हैं उसको ये ओवल विंडो तक पहुँचाता है 22 गुना बढ़ा करके, ये ऑसिकल का काम है। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है यूस्टेशियन ट्यूब और ओवल विंडो। यूस्टेशियन ट्यूब मिडल ईयर को थ्रॉट से जोड़ती है जबकि ओवल विंडो मिडल ईयर को इनर ईयर से जोड़ती है। तो ये लाइन आप याद कर लीजिए, यूस्टेशियन ट्यूब मिडल ईयर को थ्रॉट से जोड़ती है, ओवल विंडो मिडल ईयर को इनर ईयर से जोड़ती है। यूस्टेशियन ट्यूब एक नैरो ट्यूब होती है जो मिडल ईयर थ्रॉट को जोड़ने का काम करती है और ये ईयर ड्रम के दोनों साइड एयर प्रेशर में बैलेंस बना करके रखती है क्योंकि एयर प्रेशर का इक्वलाइज होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम वॉइस को साफ सुनना चाहते हैं, ये इक्वलाइज होगी एयर प्रेशर तो ही हमें सुनाई देगा, नहीं तो नहीं सुनाई देगा, ईयर ड्रम बल्ज आउट हो जाएगा, कान में दर्द होना शुरू हो जाएगा। और थर्ड, ओवल विंडो जो बताई हुई है वो एक पतली मेम्ब्रेन है जो मिडल ईयर को इनर ईयर से जोड़ रही है और ये मिडल ईयर से इनर ईयर तक साउंड वाइब्रेशन को ले जाने का काम कर रही होती है, ये ओवल विंडो है। अब इसके अंदर हमने जो ऑडिटरी ऑसिकल्स पढ़े इसको थोड़ा सा हम और डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका। ऑसिकल्स हम देखें
के ऑडिटरी ऑसिकल्स एंड देयर मसल्स। तो सबसे पहले हमने बोला कि टिम्पैनिक कैविटी के अंदर जो है तीन सबसे छोटी और बोन्स और दो सबसे छोटी मसल्स पाई जा रही होती हैं। और तो क्या है ये चीज़? द टिम्पैनिक कैविटी कंटेन्स द बॉडीज थ्री स्मॉलेस्ट बोन्स एंड टू स्मॉलेस्ट मसल्स। द बोन्स आर ऑल्सो रेफर टू एज ऑडिटरी ऑसिकल्स एंड कनेक्ट द ईयर ड्रम टू द इनर ईयर। फ्रॉम द आउटर मोस्ट टू इनर मोस्ट द बोन्स आर कॉल्ड द मेलियस, इंकस एंड स्टेपस। ये इनका नाम है, बाहर से अंदर तक हम पढ़ें। नेक्स्ट स्लाइड में आप इनको देख सकते हैं। डायग्राम भी बहुत अच्छे से दिखाया गया है आपको। सबसे पहले मेलियस दिखाई गई है, आप देखिए सीक्वेंस वाइज लिखा गया, नंबर दिया हुआ है डायग्राम के अंदर। हैमर लाइक बोन होती है, आपको क्लियर क्लियर दिखाई दे रही है ये। और ये आपको दिख रही है भाई, ये ऊपर नीले नीले से इसके लिगामेंट जुड़े पड़े हैं, उसे अपन मेलियस लिगामेंट कहते हैं। ये जो बड़ा सा पार्ट है इस हथौड़े का, उस पर लिगामेंट जुड़े हुए हैं। और नीचे से ये जो बोन है आपको दिखाई दे रही है, ईयर ड्रम के पास जुड़ी हुई, तो मेलियस, मेलियस लिगामेंट। थर्ड नंबर पे आपको इंकस दिखाई गई है, इंकस से जुड़ा हुआ इंकस का लिगामेंट है। नेक्स्ट स्टेपिस मसल, स्टेपीडियस, ये जो मसल है स्टेपिस मसल, स्टेपीडियस, आप डायग्राम में देख सकते हैं। फिफ्थ नंबर का लाल लाल पार्ट, एक तो फिफ्थ नंबर पे लाल पार्ट दिखाया गया, एक नाइन्थ नंबर पे लाल पार्ट, ये दोनों मसल्स हैं। फिफ्थ वाली मसल्स है स्टेपिस मसल, जो आपको डायग्राम में क्लियर दिखाई दे रही है कि ये स्टेपिस मसल किसको जोड़ रही है, स्टेपिस को ही जोड़ रही है, नाम से पता चल रहा है। और ईयर ड्रम नेक्स्ट दिखाया गया है, सेवेंथ पार्ट में बड़ा सा ड्रम जैसी सी स्ट्रक्चर है, ये ईयर ड्रम है, जिसको अपन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। फिर यूस्टेशियन ट्यूब एट्थ नंबर पे दिखाई गई है, जो कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो किसको किससे जोड़ रही है, ये मिडल ईयर को जोड़ रही है। कहाँ पे? हमारे थ्रॉट एरिया में जा रही है ये। फिर मेलियस मसल, जिसको अपन टेंसर टिम्पैनी कहते हैं, मेलियस मसल को अपन टेंसर टिम्पैनी कहते हैं। टेंथ नर्व दिखाई गई है, जिसको अपन कॉर्डा टिम्पैनी कहते हैं। तो टेंथ नंबर की नर्व आप देख सकते हैं, कॉर्डा टिम्पैनी। अब इन्हीं को ही हमारे को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, जो नाम हमने लिए। सबसे पहला मेलियस है। मेलियस जो है वो ईयर ड्रम से जुड़ा हुआ पार्ट है, इसमें एक हैंडल होता है, दूसरा हेड होता है। हैंडल जो होता है ईयर ड्रम के इनर सरफेस से जुड़ा होता है, जबकि हेड जो होता है वो टिम्पैनिक कैविटी की वॉल से सस्पेंडेड रहता है। सो द मेलियस इज अटैच टू द ईयर ड्रम, इट हैज़ अ हैंडल that attaches to the inner surface of the eardrum and a head that is suspended from the wall of the tympanic cavity. Second bone है incus. incus जो है वो eardrum के पास malleus से जुड़ी होती है और inner ear के पास stapes से जुड़ी होती है, क्योंकि incus तो बीच की bone है, पहले malleus, मेलियस, दूसरे इंकस और तीसरे स्टेपिस, तो इन दोनों के बीच में इंकस है। इंकस मेलियस से भी जुड़ी है, स्टेपिस से भी जुड़ी है। मेलियस से कहाँ जुड़ी है? ईयर ड्रम के पास के एरिया में ये मेलियस से जुड़ी है, और इनर ईयर के पास वाले एरिया से ये स्टेपिस से जुड़ी हुई है। द इंकस इज कनेक्टेड टू द मेलियस ऑन द साइड क्लोजर टू द ईयर ड्रम एंड टू द स्टेपिस ऑन द साइड क्लोजर टू द इनर ईयर। थर्ड बोन है स्टेपिस। स्टेपिस में क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं? दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक आर्क, एक फुट प्लेट। डायग्राम में आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, ऊपर आर्क दिखाई दे रही है और नीचे ये एकदम पैर के जैसे शेप का फुट प्लेट आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है। और इस फुट प्लेट पर एक रिंग लाइक टिश्यू का पीस होता है, जो कि एक ओपनिंग में खुल रहा है, जिसको अपन ओवल विंडो कहते हैं। इसी के थ्रू ये इनर ईयर में साउंड को भेजता है, इसी ओवल विंडो के थ्रू ये इनर ईयर में साउंड को भेजता है। ये ओवल विंडो में भी पॉइंट अपन ने पढ़ा था। सो द स्टेपिस हैज़ एन आर्क एंड अ फुट प्लेट। दिस फुट प्लेट इज हेल्ड बाय अ रिंग लाइक पीस ऑफ टिश्यू इन एन ओपनिंग कॉल्ड द ओवल विंडो, विच इज द एंट्रेंस इन टू द इनर ईयर। इनर ईयर में जाने का ये रास्ता है। अब ये तीनों बोन्स तो हो गई, तो अब बची अपनी दो मसल्स, स्टेपीडियस और टेंसर टिम्पैनी। स्टेपीडियस को अपन स्टेपिस मसल भी कहते हैं और टेंसर टिम्पैनी को अपन मेलियस मसल भी कहते हैं। मतलब स्टेपीडियस जो है वो इनर ईयर की मसल है, जो कि स्टेपिस में घुसी हुई है, और टेंसर टिम्पैनी जो है वो मेलियस
में घुसी हुई इनर ईयर की मसल है. द स्टैपिडियस इज द मसल ऑफ द इनर ईयर दैट इंसर्ट्स ऑन द स्टैपिस एंड द टेंसर टिम्पेनाई इज द इनर ईयर मसल दैट इंसर्ट ऑन द मेलियस. मेलियस पर घुसी हुई मसल होती है. नेक्स्ट डायग्राम में आप इस चीज़ को अच्छे से देख सकते हैं. देखिए थोड़ा सा हम डायग्राम को बड़ा करके देखें तो ये देखिए, ये आपको लाल लाल रंग की दो मसल्स दिखाई गई हैं, एक स्टैपिडियस है और एक टेंसर टिम्पेनाई है. क्लियर आपको ये मसल दिख रही हैं. तो स्टैपिडियस क्या है? द स्मॉलेस्ट स्केलेटल मसल इन द ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी स्केलेटल मसल होती है, कनेक्ट्स टू द स्टैपिस. ऑब्वियस स्टैपिस से जुड़ी हुई, स्टैपिस मतलब स्टायरप से जुड़ी हुई है. और इस ये कैसे वर्क करती है, कैसे फंक्शनिंग करती है, तो देखिए जब ये छोटी होती है तो ये स्टैपिस के एक्शन को रिड्यूस करती है, जिससे कि एम्पलीफिकेशन जो साउंड आ रहा है उसका एम्पलीफिकेशन कम हो जाएगा. अब क्यों भाई एम्पलीफिकेशन क्यों कम करना है? देखिए पहली चीज़ ना, ये दोनों ही मसल्स जो स्टैपिडियस है और टेंसर टिम्पेनाई है, इन दोनों का काम यही है कि ये साउंड के एम्पलीफिकेशन को कम करती है. तो कब कम करेगी? ऑब्वियस तब कम करेगी जब साउंड का ऑलरेडी वो बहुत लाउड है, उसके एम्पलीफिकेशन की ज़रूरत नहीं है उस समय ये. क्योंकि अगर एम्पलीफिकेशन हुआ तो उसका बुरा असर हमारे कान पे पड़ेगा और हो सकता है हियरिंग लॉस हो जाए. और दोनों ही मसल का ये काम है, तो कैसे ये फिर दो नाम या दो स्ट्रक्चर बनाने की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि दोनों हालांकि साउंड के एम्पलीफिकेशन को कम कर रही है, पर स्टैपिडियस हमारे खुद के साउंड को कम करती है, जबकि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या टिम्पेनाई जो है टेंसर टिम्पेनाई, वो आउटसाइड से जो साउंड आ रहा है, एनवायरनमेंट से जो साउंड आ रहा होता है, उसके एम्पलीफिकेशन को कम करिए. अगर वो साउंड ज़्यादा है तो, जैसे अगर आपने तेज डीजे बजाया हुआ है तो उस समय आपके कान को नुकसान ना पहुँचे, तो साउंड को कम करती है टेंसर टिम्पेनाई. और आपकी बॉडी का साउंड, अब आपकी बॉडी में साउंड कब तेज होता है? जब आप बोलना शुरू करते हैं तो उससे पहले, या चबाना शुरू करते हैं तो उससे पहले. क्योंकि आपकी खुद की आवाज़, आपका खुद का जो च्युइंग वाला जो साउंड है वो इतना तेज होता है कि वो आपके कान को, इनर ईयर को नुकसान पहुंचा सकता है. क्योंकि इनर ईयर बहुत सेंसिटिव होता है भाई, तो उस सेंसिटिव मैकेनिज्म को नुकसान ना पहुंचाए, डैमेज ना पहुंचाए, वो इतना साउंड लाउड होता है. आपको लग रहा होगा नहीं इतना तो लाउड नहीं होता, वो इसलिए लग रहा है क्योंकि आपके अंदर ये मसल वर्क कर रही है. मसल वर्क नहीं करेगी तो आपको पता चलेगा आपका खुद का साउंड बहुत ज़्यादा तेज होता है. तो ये मसल क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट्स जस्ट बिफोर स्पीकिंग एंड च्यूइंग, बिकॉज आर ओन स्पीकिंग एंड च्यूइंग एक्चुअली कुड बी लाउड इनफ टू डैमेज द सेंसिटिव मैकेनिज्म ऑफ द इनर ईयर इफ द साउंड्स वर फर्दर एम्पलीफाई. क्योंकि भाई हमारा कान का तो काम एम्पलीफिकेशन का है, पर फर्दर एम्पलीफिकेशन नहीं हो इसलिए चबाने और बोलने से पहले ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिससे कि स्टैपिस का एक्शन कम हो जाता है और एम्पलीफिकेशन कम हो जाता है और इनर ईयर को कोई डैमेज नहीं पहुंचता. इसके अलावा इस मसल से जो है वो ये मसल इनर्वेटेड होती है फेशियल नर्व की ब्रांच के द्वारा. कौन सी नर्व? क्रेनियल नर्व 7th के थ्रू ये इनर्वेटेड भी रहती है, ये नर्व इससे जुड़ी हुई है. तो ये तो वह स्टैपिडियस का काम कि हमारे खुद की आवाज़ के एम्पलीफिकेशन को कम करता है, और बाहर की आवाज़ के एम्पलीफिकेशन को कम करेगा ये टेंसर टिम्पेनाई, जो किस में घुसा हुआ है? मेलियस. इंसर्ट्स ऑन द मेलियस एंड एक्ट्स टू टेंस द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टू रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ साउंड ट्रांसमिशन. ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को टेंस कर देता है, इसीलिए इसका नाम टेंसर टिम्पेनाई है. टिम्पेनाई को टेंस करने वाली मेम्ब्रेन, ताकि साउंड जो ट्रांसमिट हो रहा है उसकी इफेक्टिवनेस कम हो सके और इनर ईयर को हम बचा सके कोई लाउड साउंड अगर उस तक पहुँच रहा है तो. ये इनर्वेटेड रहती है हमारी मैंडिबुलर नर्व के द्वारा. मैंडिबुलर कौन से नर्व? V3 या आपका ये क्रेनियल नर्व 5th के द्वारा ये इनर्वेटेड रहती है. तो ये तो हुई एनाटॉमी आपके मिडल ईयर की. हमने सारी स्ट्रक्चर्स पढ़ ली, सारी बोन्स पढ़ ली, ईयर ड्रम पढ़ लिया अच्छे से, कैसे वो फंक्शनिंग कर रहा है, कैसे मैकेनिज्म चल रही है वो हम देख चुके हैं.
इसके बाद हम थोड़ी सी फिजियोलॉजी और देख लें कि भाई इनर ईयर में साउंड वेव्स कैसे ट्रैवल कर रही हैं, कैसे वाइब्रेट होती हैं, क्योंकि जो आवाज़ आ रही है वो आपके एक्सटर्नल ईयर में आएगी, एक्सटर्नल ईयर से होती हुई ईयर ड्रम, ईयर ड्रम से होती हुई मिडल ईयर, मिडल ईयर से आपके इनर ईयर तक जाएंगी। तो ये कैसे जाएंगी, इसका पूरा मैकेनिज़म क्या है, तो हम वो नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे ये चीज़ें हो रही है, मतलब कन्वर्टिंग साउंड वेव वाइब्रेशंस इनटू इनर ईयर फ्लूड मूवमेंट। क्योंकि जो बाहर से आ रहा है वो इनर ईयर में जाएगा, इनर ईयर में फ्लूड भरा हुआ होता है, वो फ्लूड मूवमेंट करे उस साउंड वेव्स के द्वारा, उस साउंड वेव की वाइब्रेशंस के द्वारा, तभी आपको वो सुनाई देगा, वो मैकेनिज्म जो हियरिंग का है वो इसी तरह से चलेगा। तो वो कैसे चलता है, तो फिजियोलॉजी अपन थोड़ी सी पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी मतलब आपके लिए तो सफिशेंट है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने भाई बात बोली कि जब भी कोई एयर वेव्स आएंगी तो वो ईयर ड्रम को वाइब्रेट करेंगी, ईयर ड्रम की वजह से आपके मिडल ईयर में जो बोन्स हैं उसकी पूरी की पूरी चेन जो है वो सेट हो जाती है उस मोशन में, सेम फ्रीक्वेंसी का मोशन उन बोन्स में भी चलेगा, वो हिलना स्टार्ट हो जाएंगी, मूवमेंट करेंगी, उस मूवमेंट की फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट होएगी ईयर ड्रम से लेकर ओवल विंडो तक, उसको ट्रांसमिट करने का काम ये बोन्स कर रही हैं, ईयर ड्रम से ओवल विंडो। ओवल विंडो जो है वो इनर ईयर से जोड़ती हुई स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होता है ओवल विंडो के ऊपर, जितनी बार भी वाइब्रेशन होगा उतनी बार प्रेशर क्रिएट होगा, और उस प्रेशर की वजह से वेव जैसे मूवमेंट्स आपके इनर ईयर फ्लूड में जनरेट हो जाएंगे। जैसे पानी में लहरें चल रही होती हैं, तो जो एयर वेव्स आई उसने सबसे पहले ईयर ड्रम को वाइब्रेट किया, जिससे हमारी मिडल ईयर की बोन्स की चेन जो है वो मोशन में आ जाएगी और उसकी फ्रीक्वेंसी एकदम वैसी होगी जैसे एयर वेव की थी, वही सेम फ्रीक्वेंसी। फिर वो ईयर ड्रम से ओवल विंडो तक मूवमेंट करता हुआ वो साउंड वेव गया, फिर उसने ओवल विंडो पर वाइब्रेशन किया और ओवल विंडो से इनर फ्लूड में सेम फ्रीक्वेंसी के साथ में वेव लाइक मूवमेंट जो है स्टार्ट हो जाएगा, जैसा ओरिजिनल साउंड वेव में होता है। अब जैसे ये फ्लूड में मोशन हो रहा होता है तो एक बहुत बड़ा प्रेशर उस मोशन के लिए चाहिए, मतलब वो ऐसे सीधा सा मोशन नहीं होता, हल्के से मोशन से हमको चीज़ सुनाई नहीं देगी, तो प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा होना चाहिए, मतलब उस प्रेशर को हमारे को एम्पलीफाई करना होगा, या हमारी बॉडी को उसको, हमारे ईयर को उसको एम्पलीफाई करना होगा। कौन से प्रेशर को, जो एयर बॉर्न साउंड से जो प्रेशर आया उसका एम्पलीफिकेशन जरूरी है ताकि फ्लूड में वाइब्रेशन हो सके, और ये फ्लूड में वाइब्रेशंस कहाँ चल रहा है, हमारे कॉकलिया के अंदर, कॉकलिया में ये वाइब्रेशन चल रहा होता है। और इस प्रोसेस में दो मैकेनिज्म लगती हैं कॉकलिया में फ्लूड वाइब्रेशंस को करवाने के लिए, सेम फ्रिक्वेंसी फ्लूड वाइब्रेशन को करवाने के लिए दो मैकेनिज्म लग रही होती हैं। तो उन मैकेनिज्म को हम पढ़ें, उससे पहले मैं ये बता देती हूँ जो लाइंस मैंने आपको बोली हैं वो आप इंग्लिश में कैसे नोट करेंगे, तो आप नोट डाउन कर लीजिए। एज द ईयर ड्रम वाइब्रेट्स इन रिस्पॉन्स टू एयर वेव्स, द चेन ऑफ इनर ईयर बोन्स आर सेट इनटू मोशन एट द सेम फ्रीक्वेंसी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ मूवमेंट इज ट्रांसमिटेड अक्रॉस फ्रॉम द ईयर ड्रम टू द ओवल विंडो, resulting in a pressure being exerted on the oval window with each vibration. This produces wave-like movements of the inner ear fluid at the same frequency as the original sound wave. However, in order to set the fluid into motion, greater pressure is required, so that the pressure must be amplified. This amplification of the pressure of the airborne sound wave to set up fluid vibrations in the cochlea is related to two mechanism. यहाँ दूसरी बार टू मैंने दो वाली mechanism के लिए बोला है कि भाई दो mechanism लगती हैं। अब वो कौन सी दो mechanism हैं जो इसमें फ्लूड का मूवमेंट करवाएंगी, तो पहली जो है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया जो होता है वो ओवल विंडो से बड़ा होता है। तो पहली मैकेनिज्म तो ये यहीं पर ही आ गई कि भाई टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया ओवल विंडो से बड़ा होता है, तो जिससे वो अपने आप ही वाइब्रेशन भी तेज भेजेगा। दूसरा कि जो ऑसिकल का लिवर एक्शन है वो भी बहुत तेज फोर्स लगाता है हमारे ओवल विंडो पर। पहले तो जो आया टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से वो साउंड तेज था क्योंकि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया ओवल विंडो से बड़ा है, और दूसरा वो जो ऑसिकल्स हिल हिल करके अपना मूवमेंट कर रही थी और वेव्स को भेज रही थी वो भी बहुत फोर्सफुली ओवल विंडो के ऊपर
उस साउंड को भेजती हैं, फोर्स इंक्रीज हो जाता है, ग्रेटली इंक्रीज हो जाता है लीवर एक्शन की वजह से, जो ओवल विंडो पर लग रहा है वो फोर्स इंक्रीज हो जाएगा और एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट होगा इन मैकेनिज्म्स की वजह से, दोनों मैकेनिज्म की वजह से एक्स्ट्रा प्रेशर लगेगा जिससे कॉकलियर फ्लूइड का मोशन जो है वो सफिशेंट मोशन उसमें स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मैकेनिज्म है। तो दो मैकेनिज्म कौन सी है? फर्स्टली द सरफेस एरिया ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज मच लार्ज than that of the oval window. In addition, the lever action of the ossicles greatly increases the force exerted on the oval window. The extra pressure generated through these mechanism is sufficient to set the cochlear fluid in motion. तो ये फिजियोलॉजी हमने पढ़ी कि कैसे ये वर्क कर रहा है। तो भाई वर्क ऐसे ही कर रहा है कि जैसे ही कोई एयर वेव्स आई आपके एक्सटर्नल ईयर से होती हुई ईयर ड्रम पर स्ट्राइक करेगी, ईयर ड्रम वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा जिसकी वजह से आपके जो बोन्स हैं मिडल ईयर वाली उनकी पूरी पूरी चेन्स के अंदर मूवमेंट सेट हो जाएगा सेम फ्रीक्वेंसी के साथ में और वो बोन्स हिलती हुई ईयर ड्रम के मूवमेंट की फ्रीक्वेंसी को ओवल विंडो तक ट्रांसमिट करेगी जिससे कि एक प्रेशर एग्जर्ट होगा ओवल विंडो पर हर वाइब्रेशन के साथ में और इनर फ्लूइड का मूवमेंट जो है वेव लाइक मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा सेम फ्रीक्वेंसी के साथ जब ओरिजिनल साउंड वेव की जो फ्रीक्वेंसी थी वैसी की वैसी फ्रीक्वेंसी ओवल विंडो के थ्रू इनर ईयर फ्लूइड के मूवमेंट में लगा दी जाएगी और फ्लूइड का जो मोशन है वो बहुत ग्रेट प्रेशर के साथ हो ये जरूरी है तभी हमें सुनाई देगी आवाज़। तो उस प्रेशर को एम्पलीफाई करना पड़ता है। इस एम्पलीफिकेशन कौन सा एम्पलीफिकेशन? जो एयरबॉर्न साउंड वेव का जो प्रेशर है उसको एम्पलीफाई किया जाता है ताकि जो कॉकलिया में फ्लूड वाइब्रेशन है वो तेज़ी से हो सके। तो इसके लिए दो मैकेनिज्म चाहिए। सबसे पहली कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बहुत बड़ा होता है तो ये बड़ा होगा तब अच्छे से साउंड जाएगी। तो ये होता है ऐसा बड़ा ओवल विंडो तक जाने के लिए, ओवल विंडो के कंपैरिजन में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बड़ा होता है। और दूसरा जो ऑसिकल का लिवर एक्शन है वो भी बढ़ा देता है ओवल विंडो पर लगने वाले फोर्स को जिससे कि एक्स्ट्रा प्रेशर लगेगा इन दोनों मैकेनिज्म्स के थ्रू और वो कोक्लिया फ्लूइड के मोशन को सेट कर देगा और आपको आवाज़ एकदम क्लियरली सुनाई दे जाएगी। तो आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। हमने आज की क्लास के अंदर मिडल ईयर की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों एक साथ पढ़ ली हैं। मिडल ईयर में जब हमने पढ़ा तो सबसे पहले हम लोगों ने ईयर ड्रम पढ़ा, ईयर ड्रम के एनाटॉमी फिजियोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ी, बोन्स के बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने ऑसिकल्स पढ़ी, यूस्टेशियन ट्यूब, ओवल विंडो, बोन्स की क्या स्ट्रक्चर है, कैसी स्ट्रक्चर, कैसी शेप है, कैसे वो अपना मूवमेंट कर रही हैं, ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। मसल्स, दो मसल्स हैं, दोनों मसल्स के बारे में हमने पढ़ा। फिर यूस्टेशियन ट्यूब का क्या रोल है, ओवल विंडो का क्या रोल है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। तो आज का टॉपिक जो है आपका यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे अपने डाउट पूछ सकते हैं, आप अपने सीआर को व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस लिखकर भेज सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। मुझे अगर आपके कोई भी क्वेश्चन मिलेंगे तो डेफिनेटली मैं आपकी उस क्वेरी को दूर करूँगी। तो हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर इनर ईयर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।